अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फातमास कलेक्शन। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मलका मसूर दाल की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो इसको, दाल को मैंने साफ़ करके अच्छे से पानी से धो लिया 3 से 4 बार, और इसे मैंने फिर भिगो के रख दिया। अब दाल में मैंने ऐड कर लिया है साफ़ पीने का पानी, जिसमें दाल हम उबालेंगे। अब दाल में यहाँ मैंने ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून यहाँ ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 5 अदद यहाँ मैंने ले ली है साबुत लाल मिर्च, पानी में ऐड कर लिया। 1 प्याज मैंने यहाँ काट के डाल दी है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके साथ मैंने ऐड कर ली हैं। दाल पे ढक्कन ढक दिया था। अब दाल अच्छे से यहाँ हमारी पक चुकी थी, पानी थोड़ा कम हो गया था उसमें, तो मैंने थोड़ा और पानी ऐड कर लिया। चमचा साथ में चलाते रहें ताकि दाल अच्छे से घुट जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी इसमें नमक। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। अब यहाँ दूसरे साइड पे मैंने पैन रख लिया, उसमें ऑयल ऐड कर लिया भगार के लिए, और उसमें मैंने ऐड कर ली है प्याज 1 बारीक कटी हुई, लाल कर लेंगे, और साथ में ज़ीरा डाल देंगे साबुत, और उसमें हरी मिर्चें डाल देंगे कट लगा के। अच्छे से लाल कर लेंगे प्याज को, और उसे ऐड कर लेंगे हम दाल में। बहुत ही आसान सिंपल दाल की रेसिपी है ये। आप रोटी और चावल से भी खा सकते हैं, चावलों से बहुत अच्छी लगती है ये। जब आपके पास टाइम बहुत कम हो तो जल्दी जल्दी ये दाल तैयार हो जाती है मिनटों में, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।